चीनी खातून ली को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो लगभग 40 साल से नीम की वादी में कभी खोई नहीं। चीन के सूबे हीनान से ताल्लुक रखने वाली ली जीनिंग की इस कैफियत से सभी हैरान और परेशान हैं, जिसका दावा है कि वो 5 साल की उम्र से सोई नहीं। शौहर लियु सुकुइन का कहना है कि शादी के दिन से वो हमेशा रात भर का काम काज करती रही। इब्तिदा में वो ये समझा कि मुमकिन है कि वो दिन में अपनी नींद पूरी करती हो, लेकिन ये इंकशाफ उस पर बम बनकर गिरा कि ली की आंखों से तो दिन में नींद 200 दूर होती है, जिस पर उसने शरीके सफर की मदद करने की ठानी, यहाँ तक कि उसे नींद की गोलियां भी ला कर दी, जिनके इस्तेमाल के बावजूद ली जागती ही रही। शौहर लियु सुकुइन ने बीवी के इस मुश्किल को दूर करने के लिए बीजिंग के स्लीप सेंटर तक का रुख किया, जहाँ डॉक्टर्स ने इसका तिबी मुआयना किया, जो खुद समझ नहीं पा रहे कि आखिर ली को नींद आती क्यों नहीं। डॉक्टर्स की एक और माहिर टीम का मानना है कि चीनी खातून दरअसल सोती जरूर है, लेकिन उस तरह नहीं जैसे आम तौर पर दूसरे अफराद सोते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक मुमकिन है कि ली जब बैठती हो या टीवी देखती हो या फिर गुफ्तगू सुन रही हो तो बगैर आंखें बंद किए नींद पूरी कर लेती हो। डॉक्टर्स की मुआयना रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब शौहर ली से गुफ्तगू कर रहा था तो उसकी आंखें सुस्त हो गई थी, जो इस बात की अलामत थी कि वो दरअसल सो रही। हैरान कुन बात यह भी सामने आई कि ली की आंखें दिन भर में सिर्फ 10 मिनट से ज्यादा बंद नहीं होती।